नमस्कार, आप देख रहे हैं पल पल। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, कुमारी शैलजा और उनके पिता यहां के पूर्व सांसद रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद उनका सिरसा में कोई जनाधार नहीं है। चौधरी रणजीत सिंह ने कुमारी शैलजा को सोनिया गांधी का डोमेस्टिक सर्वेंट यानी घरेलू नौकर बताया। चौधरी रणजीत सिंह चौटाला आज अपने सिरसा आवास पर कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने के बाद मीडिया से रूबरू हो रहे थे। उन्होंने कहा कि बिजली विभाग में सुधार लगातार जारी है। बिजली विभाग में नई लाइनें, नई बिजली घर और ट्यूबवेल के कनेक्शन दिए जा रहे हैं। प्रदेश के हर जिले में जगमग योजना शुरू हो रही है। उन्होंने कहा कि हरियाणा की सभी जिलों में ऑर्गेनिक खेती को लेकर जल्द ही हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से चर्चा करेंगे और जल विभाग और कृषि विभाग दोनों ही इस प्रोजेक्ट को लेकर काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि आने वाले बुआई के समय में किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा बिजली उपलब्ध करवाई जाएगी ताकि बिजली के अभाव में उनकी फसल की बुआई में कोई दिक्कत ना आ सके। उन्होंने कहा कि 1 मार्च को सिरसा में एक रैली रखी गई है जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर सहित कैबिनेट के अनेक मंत्रियों को निमंत्रण दिया गया है। चौधरी रणजीत सिंह ने दावा किया कि यह रैली सिरसा के इतिहास की सबसे बड़ी रैली होगी और इस रैली में तकरीबन 70,000 से भी ज़्यादा लोग भाग लेंगे। और इसी के साथ देखते रहिए पल पल की ये विशेष रिपोर्ट। सेशन में सारी बजट सेशन है, मेन तो बजट सेशन होता है। बाकी अब के हमारे मुख्यमंत्री जी ने बड़ा लंबा करा, पहली बार हरियाणा के हिस्ट्री में हो रहा है कि 17 तारीख से लेकर 5 तक, आप ये समझिए कि 20 दिन बराबर सेशन चले। अब तक हरियाणा के स्टेम कभी 20 दिन सेशन नहीं चला, कभी भी इंसेप्शन के बाद। तो ये बढ़िया है कि डिबेट होगी, अच्छा चर्चा होगा, हर मेंबर को बोलने का मौका मिलेगा और खुल के चर्चाएं होंगी। एक बार बार कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि सरकार नहीं टिक पाएगी, गिर जाएगी, शैलजा हो या हुड्डा हो, ये शेख चिली वाले सपने हैं, उन्हें वो देखते रहेंगे, वो कभी पूरे तो होंगे नहीं, अधूरे रहते हैं तब से आज तक भी। शैलजा को कभी पता नहीं, कोई रोड ही नहीं था, वो तो सोनिया जी के कभी उनके थैला लेके चल पड़ती थी, ये काम करती है, उसने तो वो तो उनके एक डोमेस्टिक सर्वेंट की तरह रही है। मैं नहीं मानता कि उनका कुछ है, वो प्रेसिडेंट बन गए, उनका कुछ है ही नहीं, सरसा में कुछ नहीं। आप देखो, यहाँ से उनके फादर बने, वो खुद यहाँ से बने, सरसे जिले में एक आदमी उनके पास नहीं है। तब के विभाग की कोई आगे आने वाले समय में कोई योजना नहीं? मैं बिजली विभाग में सारे कर रहे हैं, अब जैसे नई लाइनें डाली हैं, नए बिजली घर बन रहे हैं और ट्यूबवेल के नए कनेक्शन दिए जा रहे हैं, हर तरीके से बिजली के जगमग योजना शुरू हो रही है। हरियाणा में बहुत सीन बदल गया पिछले 5 साल में। तो जिलों में जो ऑर्गेनिक खेती का परियोजना जो आपने शुरुआत की थी, कब तक शुरू हो पाएगी? अभी अंडर कंसिडरेशन है, CM साहब से बैठ के बात करूँगा, फिर इसके बाद इसे असली जमा पहनाएंगे। तो क्या कृषि विभाग ने अप्रूवल दे दिया? कृषि विभाग हम इकट्ठी हैं, एक ही टीम है, सब मिलके CM साहब से करेंगे तो सभी होंगे, जिसकी जरूरत समझेंगे जिस महकमे को उसे वो बुला लेंगे। सरकार की गठबंधन सरकार के 100 दिन पूरे हुए हैं, किस तरह देखते हैं? कल ही उन्होंने CM साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से सब अनाउंस करा है, मेरे ख्याल में कभी भी 100 दिन में इतना 100 काम उन्होंने गिनवाए सब आपके सामने हैं। तो क्या आप अपने विभाग में क्या तरक्की देख रहे हैं, उपलब्धि देख रहे हैं? मैंने अभी बताया था, सब कुछ कर रहे हैं, ट्यूबवेल कनेक्शन दे रहे हैं, अब जब बुआई का सीजन आएगा पूरी बिजली देंगे। कभी भी आज तक बिजली हम पे सरप्लस है, हम पे आज भी 7,000 यूनिट सरप्लस है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो खाली मैं इस सेशन में रहूँगा, सेशन के बाद पिछले 4-5 दिन मिलेंगे, उसमें रैली के अगर मैं सरसा में अब तक की सबसे बड़ी रैली होगी। कितने लोगों की उम्मीद है? मैं समझता साहब ये 70,000+ होगा, मैं ये तो नहीं कह सकता, लाख पता नहीं, ये लाख से भी ऊपर क्रॉस कर जाए, बहुत बड़ी रैली होगी।